हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल 2019 हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी एग्जिट पोल में गठबंधन को बढ़त दिखाई गई है और बढ़त भारी बढ़त के तौर पर, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है उससे महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगहों पर तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं उसके सर्वे में बीजेपी और उसके सहयोगी को जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा आंकड़ा दिया गया है। और हम कर रहे हैं इस पर चर्चा, हमारे साथ दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, राहुल मिश्रा हरियाणा से जुड़े हैं जबकि विशाल मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हमारे साथ प्रोफेसर सीपी सिंह भी हैं। राहुल, ये बताइए कि जो अभी एग्जिट पोल्स में हम देख रहे हैं आंकड़े, इन आंकड़ों पर अगर इससे पहले जो परफॉर्मेंस हुई, जिस तरह से चुनाव हुआ, पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखें, तो आपको क्या लगता है कितना इसमें मनोहर खट्टर का योगदान है और कितना इसमें मोदी सरकार का योगदान है, इस तरह के जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हम देख पा रहे हैं इसमें? राहुल, देखिए मिक्स्ड, यदि कहें कि कितना मनोहर लाल खट्टर का और कितना केंद्र और कितना राज्य सरकार का यदि कहा जाए तो मिक्स्ड देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर यदि कहा जाए तो यदि हरियाणा का पूरा इलेक्शन जो फाइट किया गया है वो स्थानीय मुद्दे के पे तो फाइट किया ही किया गया, लेकिन जो इसमें 70% यदि मैं 100% में कहा जाए तो 30% स्थानीय मुद्दे जैसे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इन सभी चीजों पे यहाँ पे बातचीत हुई या रैलियां जब हुई उनमें भी देखने को मिला, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यदि कहा जाए तो यहाँ पर 70% जो केंद्र के मुद्दे रहे, जैसे 370 रहा, इसके अलावा आपने जवाब लगभग दे दिया है कि 70% वजूद केंद्र के यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको लेकर, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं इसको लेकर यहां पर लोगों ने मतदान किया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं एग्जिट पोल के तौर पर। अंबिकानंद सहाय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अंबिकानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। धन्यवाद जी। ये बताइए कि अभी जो हम देख रहे हैं एग्जिट पोल, तो बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक बात मुझे याद आ रही है कि हर चुनाव, चुनावी प्रक्रिया और इसके बाद एग्जिट पोल और नतीजों से पहले ही एक माहौल बनने लगता था, वो शब्द इस बार कहीं से सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। अब वो शब्द होता था ईवीएम, तो ईवीएम की आवाज आनी अब बंद हो गई है, तो ये आप किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, परिवर्तन तो 2014 में शुरू हो गया था राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरे देश में जी, लेकिन 2014 और 2019 में एक फर्क आया है कि जैसे परिवर्तन जब होता है, तूफान मचता है जी, तो बहुत से लोग देश में ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि शायद ये 5 साल अब चेंज है और इसके बाद फिर बदल जाएगा। ये 2019 में 2014 के परिवर्तन पे मुहर लगा है जी, इट हैज बीन रीअफर्म्ड, रीकन्फर्म्ड। तो ये मुहर है देश का। और किस चीज पे, देखिए आज की डेट में देश में जो माहौल है, मोदी जी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि स्थानीय चुनाव भी होगा तो सबसे बड़े फैक्टर मोदी जी होंगे जी। आज भी जो भाजपा को या शिवसेना को महाराष्ट्र में वोट मिल रहा है, मैं समझता हूँ उसमें 70% से भी ज्यादा योगदान मोदी जी का है। अब आते हैं अमित शाह पिक्चर में, पार्टी को उन्होंने इतना सुंदर वेल ऑयल्ड मशीनरी बना दिया है कि एक तो मोदी जी की छवि और उसके बाद अनबीटेबल पार्टी संगठन बना दिया जी। अब विरोध में कौन है? कांग्रेस मृत प्राय पड़ी हुई है, जमीन पे कहीं नजर नहीं आती है जी। नेता या तो टेलीविजन में नजर आएंगे या अखबारों में नजर आते हैं, बिल्कुल डिमोरलाइज्ड आर्मी की तरह ये लड़ाई हुई है। नतीजा एग्जिट पोल का जो इंडिकेशन आ रहा है कि 2/3 नहीं 3/4 भी जीत हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए जी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंबिकानंद सहाय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो बता रहे थे कि ये जो जीत की तरफ बीजेपी को दिखाया जा रहा है महा एग्जिट पोल में, आप इसकी तुलना कर सकते हैं मोदी सरकार को जिस तरीके से दोबारा सत्ता में लोगों ने भेजा
केंद्र की सत्ता में और पहले से ज्यादा बहुमत के साथ, तो उसका दोहराव आप विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में यही पैटर्न है कि लोग वहां अब विधानसभा चुनाव में, मुख्यमंत्री के चुनाव में, वो पहले से ज्यादा वोट के साथ उसे और मजबूत कर रहे हैं। विशाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं। विशाल, आपसे भी अगर हम ये चीज जानना चाहें कि वहां पर देवेंद्र फडणवीस और केंद्र में मोदी सरकार, तो किसकी परफॉर्मेंस को ज्यादा तरजीह देते हुए लोगों ने वोट किया, किसको ज्यादा मुद्दा बनाया यहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव में? देखा जाए तो यहाँ पे दोनों की प्रशंसा हुई है। एक तरफ जहाँ लोगों ने कहा है कि सीएम मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री के काम को भी महाराष्ट्र में, मुंबई में सराहा गया है। खासतौर पर 370 की धारा को देखा जाए, और वही दूसरा देखा जाए कि जिस तरह से उन्होंने ट्रिपल तलाक पे काम किया है, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि बुर्का पहनी हुई महिलाओं ने भी उन्हें वोट दिया है, इसका साफ संकेत यही है, जो असर है कि मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक कानून खत्म किया है और उस पर जो कानून बनाया है, इससे वो महिलाएं काफ़ी खुश थी। और यही वजह रही है कि जो महिलाएं हैं वो आके लगातार बीजेपी को वोट कर रही हैं। हम देखने में ये देखते थे कि ये कांग्रेस के जो कोर वोटर माने जाते थे, कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं बदला है। इसकी मेन वजह यही रही है कि ट्रिपल तलाक कानून को जो खत्म किया गया है, इसका बहुत ज्यादा फायदा भाजपा को मिला है। इस तरह देखा जाए मुंबई और महाराष्ट्र में दोनों के काम को सराहा गया है, और जो हम एग्जिट पोल का परिणाम देख रहे हैं, जो नतीजे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों के काम की सराहना। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। विशाल हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ हैं, और राहुल मिश्रा हरियाणा से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में मुद्दे किस तरीके से, कौन से मुद्दे कितने हावी रहे, आप देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र का चुनावी संग्राम हर लिहाज से ऐतिहासिक है, क्योंकि 24 अक्टूबर के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि राज्य के मतदाताओं के दिलो दिमाग पर कौन से मुद्दे, कौन से नेता सबसे असरदार साबित हुए हैं। मुंबई से लेकर नागपुर तक और बारामती से जलगांव तक महाराष्ट्र की जनता ने लोकतंत्र के इस जश्न में भरपूर तरीके से साथ दिया है। महाराष्ट्र का चुनाव पिछले 5 साल के फडणवीस सरकार के कामकाज का असल रिपोर्ट कार्ड साबित होने वाला है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 152 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, और एनडीए गठबंधन में उसकी सहयोगी शिवसेना ने 124 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जबकि बाकी की सीटों पर एनडीए गठबंधन के छोटे मोटे दलों को अपनी ताकत परखने का मौका मिला है। महाराष्ट्र में एनडीए का मुकाबला यूपीए के साथियों से है, जिसमें से कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन खास तौर पर सामने है। कांग्रेस और एनसीपी के कई आला नेताओं ने चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना का दामन थाम लिया था, हालांकि विपक्ष इस बार जनादेश अपने हक में होने का दावा कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बहुत भारी बहुमत से, अंदाजा ये आ रहा है कि यहाँ तो शायद 225 सीट पार हो जाएगी शिवसेना भाजपा की युति की सीटें, जो हमने लक्ष्य रखा था वो आज देखने को मिल रहा है। साल 2014 में सीटों की लड़ाई के चलते बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, हालांकि उस समय विपक्ष भी बंटा हुआ था। कांग्रेस और एनसीपी भी पिछले चुनाव में गठबंधन नहीं कर पाई थी। अब की बार दोनों ही विपक्षी दल महाराष्ट्र में अपना वजूद बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से खासा महत्व रखने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। खुद शरद पवार और उनकी पार्टी के आला नेता प्रफुल्ल पटेल जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिससे एनडीए के दलों ने राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर विरोधियों पर वार किया। मेरे अंदाज में यही मैं बताऊंगा कि लोगों को मालूम है कि महायुति को होल्डिंग करनी चाहिए, उनकी होने वाली है, उनका होने वाला हित, महायुति को होल्डिंग करने से उनका होने वाला है हित, तो कैसे नहीं होगी हमारी जीत, तो हमारी जीत होने वाली है, और इसीलिए मतलब विपक्ष दल प्रभावित हो चुका है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को दोबारा लाने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों को भी चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया।
महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले को भी जोर शोर से उठाया गया, तो तीन तलाक और मोदी सरकार के बाकी बड़े फैसलों को भी भुनाने की कोशिश की गई। देखिए, जिस तरह से मतदान आज हुआ है, ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में हम अपने विरोधियों को सिंगल डिजिट में ले जाएंगे। जनता पूरी तरह देवेंद्र फडणवीस को और खट्टर साहब को महाराष्ट्र और हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। बीजेपी साफ कर चुकी है कि महाराष्ट्र में जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर सीएम की कुर्सी संभालेंगे। दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एक शिवसैनिक को महाराष्ट्र का सीएम बनाए जाने का दम भर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि 24 अक्टूबर को जब ईवीएम से वोटों का गणित सामने आता है तो किस पार्टी का हिसाब किताब सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के चुनावी रण में इस बार सियासी दिग्गजों की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। हफ्तों तक चले चुनाव प्रचार के बाद मतदाता ने बूथों पर पहुंचकर अपनी सत्ता शक्ति दिखाई। इसी के साथ हरियाणा के कई सियासी धुरंधरों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। हरियाणा की कई सीटों पर मतदाता के फैसले पर देश की निगाहें टिकी हैं। उसमें से सबसे पहली सीट है करनाल विधानसभा, क्योंकि यहां से राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर चुनावी अखाड़े में हैं। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल के चुनावी महाभारत में मनोहर लाल योद्धा की तरह टीके रहे। हालांकि इस दफा उन्हें चुनौती देने के लिए जेजेपी ने बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव पर भरोसा जताया, लेकिन खट्टर और उनके समर्थक राह आसान होने का दावा कर रहे हैं। करनाल में हम देख रहे हैं कि बहुत बूथों पर केवल भारतीय जनता पार्टी के ही बस्ते हैं, बाकी किसी पार्टी के किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बस्ते भी नहीं हैं। इसमें से एक बात तो स्पष्ट है कि करनाल में, और मैं तो यहां तक कहता हूं करनाल के अलावा पूरे हरियाणा में, कांग्रेस अन्य सब पार्टियां हारी हुई बाजी को खेल रहे हैं और वो मैदान छोड़ चुके हैं। और मैं आश्वस्त हूं कि हमारा जो टारगेट है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, 3/4 मेजोरिटी भी हम ले सकते हैं। दिग्गज बीजेपी नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की उम्मीदवारी की वजह से अंबाला कैंट विधानसभा सुर्खियों में है। अंबाला कैंट सीट पर दिलचस्प चुनावी संग्राम दिखा है। मतदाता ने अपने फैसले का इजहार कर दिया है। 24 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। दिग्गज कांग्रेसी नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनावी रण में उतरे हैं। गढ़ी सांपला किलोई सीट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परंपरागत सीट रही है। पिछली बार हुड्डा के मुकाबले में इनेलो के टिकट पर उतरे सतीश नांदल इस बार बीजेपी की ओर से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। क्या कांग्रेस के किले में बीजेपी सेंधमारी कर पाती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, सबको अपना मतदान का प्रयोग करना चाहिए। बहुत कुर्बानी से मिला है, आजादी की लड़ाई लड़ी हमारे बुजुर्गों ने, कितनी शहीद हुए, कितने जेल में रहे, उस कुर्बानी से मिला, उसका पूरा मतदान का प्रयोग करना चाहिए और अपना मत अपनी मर्जी की सरकार बनानी चाहिए। सोनीपत जिले की बरौदा विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर रेसलर योगेश्वर दत्त पहली बार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और इनेलो का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली बरौदा विधानसभा में रेसलर योगेश्वर दत्त अपने विरोधियों को पटकनी दे पाते हैं या नहीं, इसका फैसला 24 अक्टूबर को सामने आ जाएगा। दादरी विधानसभा से एक और रेसलर बबीता फोगाट बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी हैं। हरियाणा की दादरी सीट से बीजेपी ने रेसलर बबीता फोगाट को उतार कर इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया। बीजेपी को यहां पार्टी के भीतर से विरोध भी झेलना पड़ा। देखने वाली बात होगी कि पार्टी बबीता के पक्ष में अपने काडर को एकजुट रख पाती है या नहीं। हालांकि बबीता फोगाट लगातार जीत का दावा कर रही हैं।
माहौल अच्छा है काफी, और भाजपा हरियाणा में फिर दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। आप सच्चे मन से जाओ लोगों के बीच में, लोग आपको सम्मान देते हैं और सेवा के भाव से जाओगे, सेवा करोगे, लोगों के बीच में रहोगे तो हर कोई आप पे भरोसा करता है और उसी भरोसे पे आपको लोग भरपूर सहयोग करते हैं। हरियाणा की उचाना कलां विधानसभा सीट पर जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की प्रेमलता के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2014 विधानसभा चुनाव में उचाना कला सीट पर दुष्यंत चौटाला को बीजेपी की प्रेमलता से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हरियाणा के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता फिर से दुष्यंत चौटाला को धूल चटाने का दम भर रही है। लहर चल रही है तो क्यों फिर प्रधानमंत्री को पांच पांच बार आना पड़ा, क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष को रैलियाँ कैंसिल करनी पड़ी। 75 पार नहीं, इस बार हरियाणा की जनता जमुना पार कर कर आएगी। प्रदेश के अंदर किसान कमेरे को ताकत देकर जननायक जनता पार्टी का उदय प्रदेश में लाने का। हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के चर्चित नेता रणदीप सुरजेवाला के सामने बीजेपी ने इसी सीट से विधायक रह चुके लीला राम को मैदान में उतारा है। इसी साल जींद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए उनके लिए कैथल में साह की लड़ाई है। हरियाणा की नारनौंद विधानसभा सीट सुर्खियों में है क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता कैप्टन अभिमन्यु फिर से यहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हरियाणा के हिसार जिले की नारनौंद विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल है। नारनौंद में कमल खिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने फिर कैप्टन अभिमन्यु को ही सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सर इधर सर।